जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्मारकों के टिकट बुकिंग में अब एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। DUIT द्वारा अधिकृत तीन कंपनियों के कार्मिकों द्वारा की गई ई टिकटिंग में बड़ी धोखाधड़ी। एक ही टिकट को दोबारा प्रिंट कर नाहरगढ़ स्मारक पर अवैध वसूली की गई है। जोधपुर DRK श्रीराम महिमा एंटरप्राइज ओवी टेक्नोलॉजी पर जुर्माना लगाया गया है। तीन फर्मों पर कुल 5,600 रुपए की लगाई शास्ति। लेकिन बड़ा सवाल कि इतने बड़े फर्जीवाड़े पर औपचारिक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई, ये सवाल बना हुआ है। क्यों नहीं इन फर्मों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, ये दूसरा बड़ा सवाल बना हुआ है। दोबारा गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ऑनलाइन टिकटिंग में गड़बड़ी के लगातार इसी तरह से शिकायतें मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई प्रभावी कार्रवाई पूरे मामले पर नहीं की जा रही है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए आयुषी, देश और प्रदेश की अगर छवि के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। और पुरातत्व संग्रहालय विभाग की बात करें तो विश्व विरासत में शुमार आमेर, उसके पास यहाँ पर जयपुर के अंदर है जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़, तमाम ऐसे 8 स्मारक जयपुर के अंदर है जो कि विश्व स्तर पर जिनकी पहचान है। यहाँ पर पहली बात तो जब से DOIT को दिया उसके बाद से लगातार सर्वर डाउन होने की शिकायतें आती है, तो ऑनलाइन टिकट उनको नहीं मिल पाता है। तो जो खासकर विदेशी जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है वो बहुत निराश होकर जाता है, उससे देश और प्रदेश की छवि पर सीधे तौर पर फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो मामला है ये बहुत दहलाने वाला मामला है। इसमें तीन ऐसी फर्म है नाहरगढ़ के अंदर जिनको पुरातत्व विभाग DOIT ने पुरातत्व विभाग के लिए यहाँ पर उनको अधिकृत किया था ऑनलाइन टिकटिंग के लिए। इसमें जोधपुर की DRK प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अलावा एक श्रीराम महिमा एंटरप्राइजेज है और एक ओवी टेक्नोलॉजी है। तीनों के जो ई कियोस्क पर यहाँ जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर ई टिकटिंग का काम करते हैं नाहरगढ़ के अंदर। पिछले दिनों शिकायत मिली थी कि यहाँ पर एक ही टिकट को बार बार प्रिंट करके बेचा जा रहा है, तो उसके बाद शिकायत की तस्दीक के लिए एक टीम भेजी गई। टीम ने भी जब वहां औचक निरीक्षण किया तो उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। उसमें इन कंपनियों के जो कार्मिक थे वो एक ही टिकट को दो बार बेच रहे थे। उसके अलावा ना तो उनके पास कोई वेशभूषा थी, ना उन्होंने किसी तरह का कोई अपना पहचान पत्र अपने गले में, जैसा कि नियमानुसार है उनको अपने गले के अंदर पहचान पत्र को धारण करना था, एक निर्धारित गणवेश के अंदर उनको रहना था, वो भी उन्होंने नहीं किया। साथ ही साथ कुछ कार्मिक ऐसे भी थे जो बिना बताए वहां पर गैर हाजिर चढ़े थे। लेकिन एक ही टिकट को दो बार प्रिंट करना या दो से अधिक बार प्रिंट करना निश्चित तौर पर 400 BC का सीधा सीधा मामला था। लेकिन उसके बावजूद भी शिकायत की जब शिकायत पूरी तरह से सही पाई गई उसके बावजूद मात्र 5600 रुपए का जुर्माना लगा करके इस पूरे प्रकरण को दबा दिया गया। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो ई मित्र कियोस्क संचालक है उसने, अगर हम सीधे तौर पर बात करें, इसके अंदर जो श्रीराम महिमा एंटरप्राइजेज है और एक जो ओवी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है उनमें जो कमियां पाई गई उसमें मात्र 500 रुपए का जुर्माना तो लगाया गया, नॉन कंप्लायंस गाइडलाइंस के नाम पर डमी ट्रांजैक्शन के नाम पर मात्र 5000 रुपए का जुर्माना लगाया और 100 रुपए इसके ऊपर एक जनरल शास्ति लगाई गई कि आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, और 5600 रुपए जुर्माना लगा के इन तीन फर्मों को छोड़ दिया गया। जबकि ये वही पुरातत्व विभाग है जिसमें करीब 8 साल पूर्व एक बहुत बड़ा टिकट फर्जीवाड़ा सामने आया था जिसका मामला आज तक पुलिस के अंदर भी चलता रहा, उस मामले की लंबे समय में जांच हुई, उसके बाद में वो मामला भी रफा दफा कर दिया गया। लेकिन इस मामले में भी ऐसा ही लगता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ना तो पुरातत्व विभाग ने इसको गंभीरता से लिया, ना DOIT ने इसको गंभीरता से लिया। और ऐसे में क्या है कि अगर एक ही टिकट को बार बार प्रिंट किया जाता है, दो बार प्रिंट किया जाता है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसकी एक सघन जांच होनी चाहिए थी। लेकिन मात्र 5600 और 100 रुपए यानी कुल 5600 रुपए जुर्माना लगा करके इन तीनों फर्मों को छोड़ दिया गया, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा दबाव था जिस दबाव के अंदर तीनों फर्मों के ऊपर एक ठोस कार्रवाई न करके मात्र एक हल्के से जुर्माने की कार्रवाई कर दी गई और साथ ही साथ इनको चेतावनी दे दी गई कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लेकिन साफ तौर पर जाहिर होता है जब हमारे मॉन्यूमेंट के ऊपर कोई देशी या विदेशी कोई पर्यटक आता है और उसके साथ इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है तो न केवल छवि खराब होती है बल्कि ऐसा भी लगता है कि प्रदेश में जो बाहर से आने वाले पर्यटक है और लगातार पर्यटकों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उनको लेकर के किसी तरह की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता। खासकर पुरातत्व विभाग में ऐसा प्रकरण सामने आ रहा है, तो होना तो यह चाहिए कि इस पूरे मामले की सघन जांच हो और जांच में दोषी पाए जाने पर इन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए था। साथ ही साथ इस ऑनलाइन टिकट की जो पूरी व्यवस्था है इसको एक बार दोबारा समीक्षा करने के बाद और इसको नई व्यवस्था को अपनाना चाहिए ताकि प्रदेश और देश की छवि का भी नुकसान ना हो, राजस्व का भी नुकसान ना हो और ऐसे फर्जीवाड़े और गबन की जो घटना है दोबारा ना हो सके। या फिर यूं कहें निर्मल जी की कार्रवाई हुई नहीं, सिर्फ एक लीपापोती करके रह गए हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है। देखना होगा कि इस पे क्या कुछ आगे कार्रवाई हो पाती है, ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, या फिर इसकी इस तरह की घटनाएं और भी सामने आती है। लगातार आपसे जानकारी और भी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी।